हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सिंह। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस फॉर आईपी यूनिवर्सिटी एमसीए प्रोग्राम। ठीक है, तो मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी एमसीए के ऊपर एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को रीच आउट किया कि मतलब उनके अलग अलग डाउट्स थे कि क्या वो बीए करी हुई है या फिर उन्होंने कुछ अलग स्ट्रीम से करा हुआ है तो क्या वो एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि मैं मतलब वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के ऊपर ये सीरीज बनाऊंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का फॉर टेकिंग एडमिशन इनटू एमसीए। ठीक है, तो अगर हम बात करें आईपी यूनिवर्सिटी की, जिसे हम बोलते हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो ये यूनिवर्सिटी हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है दिल्ली स्टेट की। तो यहाँ पे दिल्ली स्टेट के लिए जो है रिजर्वेशन होता है 85%, 15% जो है वो होता है आपका आउटसाइड दिल्ली के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपका क्या कहते हैं एडमिशन है वो बेस्ड है निमसेट के स्कोर के ऊपर। ठीक है, तो निमसेट के स्कोर के ऊपर बेस्ड है, फर्स्ट काउंसलिंग जो है निमसेट के स्कोर के ऊपर होगी, अगर सीट्स वेकेंट रहती हैं तो सीईटी के स्कोर के ऊपर होंगी, अगर फिर भी आपकी सीट्स जो है रहती है तो आपकी सीयूईटी एग्जाम जो है उसके बेसिस पे सीट जो है वो फिल होंगी। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, मैंने पॉइंट जॉट डाउन किए हुए हैं कि क्या क्या पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने हैं। और एमसीए जो कोर्स है ये प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटी 2 साल के अंदर। ठीक है, तो 2 साल का कोर्स करिकुलम है, पहले 3 साल का था, जब मैंने एमसीए करती थी तो 3 साल का हुआ करता था, अब जो है ये 2 साल का हो गया। ठीक है, उसके बाद कितने कॉलेजेस आते हैं, अराउंड 12 कॉलेजेस आते हैं इसके अंदर आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 658। ठीक है, तो 658 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपने अगर बीसीए करी है, बीएससी आईटी करी है, बीएससी सीएस करी है विद मैथमेटिक्स, तो आपके इन तीनों कोर्स के अंदर आपको जो है 55% जो है आपके ओवरऑल एग्रीगेट होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो। बट आपने कोई अगर इक्विवेलेंट डिग्री करी है जिसके अंदर आपके पास मैथमेटिक्स थी या फिर 10+2 तक आपने मैथमेटिक्स और कंप्यूटर्स पढ़ी हुई है, सिर्फ मैथमेटिक्स कंप्यूटर्स भी नहीं यहाँ पे, तो भी आप एडमिशन ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपको कुछ अलग से कोर्स करने पड़ेंगे ड्यूरिंग योर टर्म, और उसी 2 साल के अंदर ही वो कोर्स जो है वो आपको पढ़ाए जाएंगे और वो आपको करने पड़ेंगे। पहले कई यूनिवर्सिटीज में ये क्राइटेरिया है कि वो आपको 3 साल के मतलब जिन्होंने ये बीसीए बीएससी आईटी बीएससी सीएस नहीं करी होती उनके लिए वो 3 साल का होता है कोर्स, पहले साल में वो फंडामेंटल जो ब्रिज कोर्सेज की बात कर रहे हैं वो पढ़ाए हैं। बट जितना मैंने डॉक्यूमेंटेशन देखी, यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस देखी, मुझे ऐसा कहीं नहीं मिला कि किसी के लिए 2 की है, किसी के लिए 3 की है, तो आई एम अज्यूमिंग के सबके लिए 2 साल की है, और ब्रिज कोर्सेज जो है वो आपको फर्स्ट ईयर में ही एज एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे और उसके थ्रू फिर आप जो है क्लियर कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये था ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप एमसीए करना चाहते हो आईपी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कहाँ पे फॉर्म भरना है, तो लिंक जो है मैं डाल दूंगा, जो भी बात मैंने कही है वो जो डॉक्यूमेंटेशन है जो सर्कुलर है इसका वो भी मैं लिंक डॉक्यूमेंट उस लिंक उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके भी पढ़ सकते हो, कुछ स्क्रीनशॉट्स भी मैं अटैच कर दूंगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो यूजफुल रहेगी और आने वाली वीडियोस के अंदर मैं और भी कॉलेजेस के बारे में जो है वीडियो बनाता रहूंगा और वो अपलोड करता रहूंगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो या नहीं। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में जहां पे आपको डाउट है उसके बारे में थोड़ा सा ढूंढ के रिसर्च करके उस पर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज उसके लिए भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन से कॉलेज के आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन एंड जस्ट लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करना वीडियो पर जरूर कि आपको ये यूजफुल लगा या नहीं लगा, और शेयर करना उन लोगों के साथ जो अभी एमसीए करने की मतलब करना चाह रहे हैं। ठीक है, गोइंग लाइक आने वाले टाइम के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, बाय।